इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। पटना में पहली सोमवारी में मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। पटना सिटी गायघाट स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर में जल अभिषेक, फूल अभिषेक, दूध अभिषेक और वैदिक पूजा बनारस के विख्यात पंडितों द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। कंगन घाट पर भगवान शिव जी का वैदिक पूजा किया गया। भगवान शिव पर हल्दी, दूध, शहद, गंगा जल अर्पित की गई। वहीं एक विशाल शिवलिंग रखकर वैदिक पूजा किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर का जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु सुबह से ही लंबी कतार में खड़े होकर भारी भारी से भगवान शिव पर दूध, जल, फूल चढ़ा रहे थे। इस मौके पर पटना के अलावा दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे थे। श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी का इंतजाम किया गया। श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगा रहे थे और विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर पटना सिटी अनुमंडल अधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव जी, जेडीयू के युवा सम्राट नेता चिंटू सिंह, सुरजीत कसेरा, राजेश चिल्लू, राजीव राठौर, भारतीय जनता पार्टी युवा प्रकोष्ठ गायघाट मंडल, समाज सेवी अंजित कुमार शर्मा, आलमगंज थाना अध्यक्ष मौजूद थे। ड्रोन कैमरे से अपराधी छवि को रोकने के लिए तीसरी आंख एवं सीसीटीवी लगाया गया था। देशवासियों, सभी लोगों को मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि इस बार हम लोग के लिए, देश के लिए बहुत शुभ है कि इस बार दो महीना का सावन हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे, सारे लोग, जितने लोग हैं, सब बिहार के लोग, देश के लोग, जो आज तक चंदन टीका नहीं लगाते थे, सब लोग हर हर महादेव, पूरा पटना, पूरा गाँव, शहर, हर जगह, बच्चे में इस बार देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, बच्चिया, वो लोग भी चंदन टीका लगा के हर हर महादेव। देखिए, पूजा पाठ से क्या होता है, हर लोग का मन शांति होता है। पूजा पाठ करने से कोई भी, अगर मंदिर से आप बाहर जाते हैं तो कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप वही कोई गलत जगह जाइए, बियर बार में रहिए, कहीं रहिए, बिहार में तो बंद है। और इसीलिए आज सबसे ज़्यादा महत्व है कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ, इसका असर इस बार सावन में देखने को मिल रहा है। हम लोग पटना से चल के सिटी तक आए हैं, हर जगह, हर मंदिर में जो भीड़ देख रहे हैं, इस ऐसा भीड़ हम लोग ने कभी नहीं देखा था। और हम लोग ईश्वर, गंगा माई से, शंकर भगवान से, भोले बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बिहार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी को इतना ताकत दीजिए कि बिहार जिस तरह देश में एक नंबर वन राज्य बिहार हुआ है, उसी तरह से सड़क हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। जहां ऊपर में आप देख रहे हैं, पटना से सीधे बख्तियारपुर तक चल जाइएगा, ये जो बम्बे में हम लोग देखते थे, आज बिहार और पटना में हम लोग देख रहे हैं। यही हम लोग ईश्वर से आज प्रार्थना के लिए कंगन घाट पे आए हैं और सब लोग को सावन की अग्रिम बधाई देते हैं। हमको बुला लीजिए। दो महीना का सावन है बिहार में, बाबा भोलेनाथ पार्वती जी का देख रहे हैं प्रथम सोमारी आज है। बिहार के लोग अमन चैन शांति के लिए आज बाबा भोलेनाथ के हम लोग पूजा कर रहे हैं कि बिहार के लोग विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। बिहार बाबा भोलेनाथ से हम लोग कामना करते हैं कि बिहार प्रगति पर और ऊंचाई पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाए, ताकि हम लोग ताकत दें सरकार को, कि बाबा भोलेनाथ से हम कामना करते हैं इतना ताकत दे बाबा कि बिहार हम लोग का एक नंबर देश में राज्य बने और सब लोग शांति से रहें, खुशहाल रहें, आपस में भाईचारा बनाए रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हम लोग सब मिल करके बाबा भोलेनाथ का प्रथम सोमारी है। मैं उन पर जलाभिषेक किया और कामना करता हूँ कि पूरे बिहार अमन चैन और शांति विकास की ओर आगे बढ़े। नंद किशोर कुशवाहा, महासचिव जनता दल बिहार। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।